बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड की नामी सिंगर और टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 की जज नेहा कक्कर एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल हाल ही में नेहा कक्कर के एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली ने एक इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप पर बात की थी। इस दौरान एक्टर ने ब्रेकअप का ठीकरा नेहा पर ही फोड़ डाला। इंटरव्यू में हिमांश कोहली ने कहा था, कोई भी असली कहानी नहीं जानना चाहता और सिर्फ मैं विलन बन गया। वो टीवी शो पर रोने लगी और सभी ने मान लिया, सारा ब्लेम मुझ पर ही आ गया। मैं भी रोना चाहता था क्योंकि हम सभी इंसान हैं। मेरा भी मन करता था कि मैं रो जाऊं। मैं सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने इंतजार करने का फैसला किया। हिमांश ने अपने ब्रेकअप के लिए कहा था कि दोनों की सहमति से हुआ था क्योंकि नेहा करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। अब हिमांश कोहली के इन बयानों पर नेहा कक्कर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा, भगवान की दया से मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ। एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ अपने अच्छे कर्मों और भगवान की दया से। लोग जो भी बुरा बोलते हैं मेरे बारे में वो कुछ नहीं बल्कि फेक और जलने वाले हैं, जो मेरे नाम का इस्तेमाल करके खबरों में आना चाहते हैं। इससे पहले भी उसने किया, मेरे पीछे से भी यूज कर रहे हैं। ओए, अपने काम की वजह से सुर्खियों में आओ, नाम का इस्तेमाल मत करना। अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो मैं तुम्हारी माँ पापा और बहनों के कारनामों को भी सामने ले आऊंगी जो उन्होंने किया और मुझसे कहा। मेरे नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत करना और दुनिया के सामने मुझे विलन बनाकर बेचारा बनने की जरूरत नहीं है। मैं चेतावनी देती हूँ, मुझसे और मेरे नाम से दूर रहो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।